बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं नाम मोहम्मद शफीक है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं इन्फोटेक एमएस। 3 साल में फर्स्ट टाइम जो है वो मुझे दुबई पुलिस की तरफ से मेरी गाड़ी पर फाइन आया है। किस तरह आया है ये सारी डिटेल जो है वो मैं आज आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि जो गलती मुझसे हुई वो गलती आप बिल्कुल ना करें। एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी और एक फ्री राइड थी। जो राइट लाइन थी उस पर काफ़ी लंबी कतार थी, तो मैं पीछे पहले कतार में खड़ा था, पर मैंने जैसे सोचा कि इसको बाईपास कर आगे जाकर जो है वो लाइन में घुस जाऊंगा और मेरा टाइम भी जो है वो बच जाएगा। पर जैसे मैंने उस लाइन को बाईपास किया, वहां से निकल कर आगे जाके उसी लाइन में अंदर घुस गया, और वहां पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो दुबई पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तो उसका जो कैमरा था गाड़ी का, जो आपको अक्सर देखा होगा कि उस गाड़ी पर कैमरा जो है वो लगा होता है ऊपर की तरफ, तो उस कैमरे ने मेरी गाड़ी को जो है वो कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद कुछ ही मिनट्स बाद जो है वो मुझे फाइन जो है वो मेरे एसएमएस के थ्रू जो है वो मुझे रिसीव हुआ कि आपको लाइन डिसिप्लिन का फाइन इशू किया गया है 400 दिरहम का। यानी कि 400 दिरहम का दुबई में लाइन डिसिप्लिन का फाइन आता है। कोशिश करें कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर राउंड लगा कर आ जाए। अगर आप गलत ट्रैक पर चले गए हैं, उसी ट्रैक पर वापस आने के लिए जो है वो आप कोई और शॉर्टकट रास्ता जो है वो इख्तियार नहीं करें, ताकि आप 400 दिरहम के फाइन से जो है वो बच सके और अमरनाथ के रूल्स को जो है वो आप ज़रूर फॉलो करें। टिकट तो मुझे इशू हो गया, फाइन तो मुझे इशू हो गया, अब इसको जो है ऑनलाइन पे कैसे करना है, विद इन मिनट जो है वो इसको मैं ऑनलाइन पे करूँगा और आपको सारा तरीकाकार बताऊँगा। दोस्तों, दुबई पुलिस की ऐप के थ्रू मैं अपना फ़ाइन पे करूँगा ऑनलाइन विद इन मिनट। इसको ओपन करना है, सेंटर में जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर सर्च, इस पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी का कोड सेलेक्ट करना है कि आपकी गाड़ी का कोड क्या है। फिर आपने नंबर प्लेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे टाइप करनी है। टाइप करने के बाद जो है आपने डन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा कि आपको 400 का फाइन आया और किस वजह से आया और किस जगह पर आया। ये तीनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर देना है, जिस पर आपको मैसेज आया दुबई पुलिस की तरफ से। ओटीपी सेंड होगा आपके नंबर पर, तो ओटीपी आपने जो है यहाँ पर जो है वो फिलअप करना है। तो विद इन सेकेंड जो है वो मुझे एक मैसेज रिसीव होगा दुबई पुलिस की तरफ से ही ओटीपी। तो ये ओटीपी आप देख सकते हैं कि ये ओटीपी मैं सेम यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आप देखिएगा, इस पर आपने एक्सेप्ट और एग्री पे क्लिक करना है कि आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं और अगेन पे पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको अगेन पे पर क्लिक करेंगे तो विद इन सेकेंड्स जो है आपकी स्क्रीन के सामने ये एक पेज ओपन होगा कि आपने इसकी पेमेंट कैसे अदा करनी है। तो मैं इसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू करूँगा। यहाँ पर अब मैं अपना कार्ड नंबर जो है और एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, जो सीक्रेट कोड होता है 3 डिजिट का, वो कोड जो है यहाँ पर जो है वो मैंशन करूँगा। दोस्तों, सिक्योरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा इसको जो फेड कर रहा हूँ। इसके बाद आपने लिखने के बाद पे पर क्लिक करना है। पे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लेने के बाद जो है अब आपका जो भी बैंक है उसको एक OTP जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या आप इस पर एग्री करते हैं। तो वो मुझे ऑथेंटिकेशन कोड आएगा मेरे कुछ डिजिट्स का, वो यहाँ पर मैंने करना है फिलअप। फिलअप करने के बाद जो है मैंने कर देना है सबमिट। ये लास्ट प्रोसेस था। ये करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम लेगा, कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है ब्राउजिंग होने के बाद जो है वो आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि सक्सेसफुली जो है वो आपने जो भी पेमेंट अदा करनी थी वो आपने पेमेंट अदा कर दी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्लीज वेट का एक ऑप्शन दे रहा है, वो कमेंट्स दे रहा है। अब कमेंट जो पेमेंट थी वो मैंने सक्सेसफुली इसकी जो है वो पे कर दी है। अब इनका जो आप इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ऐप के थ्रू, तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके बैक भी जा सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि वो जो चीज़ थी मेरी वो सबमिट हो गई है, फ़ाइन मेरा पे हो गया है। तो इस तरह बआसानी विद इन मिनट्स जो है वो आप अपना फ़ाइन जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। जो गलती मैंने की वो आपने नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।